हेलो फ्रेंड्स, राजेंद्र क्रिएटिविटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिमाचल प्रदेश टेट टीजीटी आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, एचपी टेट टीजीटी आर्ट्स का 8 सितंबर 2018 को हुआ था। इस सेक्शन में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। 31 क्वेश्चन, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माय वर्ड। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, ही ऑर्डर्ड देम टू बी क्वाइट। अगला क्वेश्चन है, ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू। इसका राइट आंसर है ए, ही सेड टू मी दैट आई डिडंट बिलीव हिम। अगला क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग 4 सेंटेंसेस ए बी सी डी इन द प्रॉपर सीक्वेंस to form a meaningful paragraph and then mark the correct sequence as your answer. इसका right answer है C, D, V, A, C. दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 34, इसका राइट आंसर है सी, सी ऑप्शन, डी वी ए सी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस चूजिंग फ्रॉम दोज गिवन अंडर ईच एक्सप्रेशन। मैटर रिटन बाय हैंड, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, मैनुस्क्रिप्ट। अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट मस्कुलाइन जेंडर फॉर डू इज ऑप्शन ए बक। स्टडी ऑफ आर्ट ऑफ टीचिंग, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, पैथोलॉजी। चूज द करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट फेमिनिन जेंडर फॉर रैम इज, इसका राइट ऑप्शन है ए, डीर। Choose the best alternative for the sentences given below. He said to me, "Do you know me?" Iska right answer hai option A. He asked me if I knew him. Agla question hai. He said, "Let us take him to the doctor." इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, ही सुजेस्टेड दैट दे शुड टेक हिम टू द डॉक्टर। चूज
choose the correct option for the given sentences. Please tell me. Iska right answer hai C option. Bear stop the bus. You are a bit late today. Iska right answer hai D option. Do you? अगला क्वेश्चन है एज प्राउड एज. इसका राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन पीकॉक. एज लाइट एज. इसका राइट ऑप्शन है डी फेदर. अगला क्वेश्चन है एज यू सॉ. इसका राइट ऑप्शन है बी सो शैल यू रीप. रोम डैश डैश इन ए डे. इसका राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन वाज नॉट बुलेट. रोम वाज नॉट बुलेट इन ए डे. अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो. इसका क्वेश्चन है द कैट स्लिप्ड ऑन द बेड डैश डैश द लिटिल बॉय. इसका राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन बिसाइड. द कैट स्लिप्ड ऑन द बेड बिसाइड द लिटिल बॉय. अगला क्वेश्चन है द टूडलर फेल डैश डैश द चेयर. इसका राइट ऑप्शन है सी पार्ट ऑफ. द टूडलर फेल ऑफ द चेयर. चेंज द following simple sentence to complex. I do not know the time of her arrival. Iska right option hai A option. I do not know when he will come. Change the following compound sentence to simple sentence. He finished his work and went to play. इसका राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू प्ले. अगला क्वेश्चन है यू मस्ट वर्क डैश डैश स्टाफ. इसका राइट आंसर है ए और. अगला क्वेश्चन है मैनी थिंग हैव हैपन्ड आई लेफ्ट स्कूल. इसका राइट आंसर है सिंस डी ऑप्शन. मैनी थिंग हैव हैपन्ड सिंस आई लेफ्ट स्कूल. चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड मार्केट इन योर आंसर. मार्क योर आंसर सी. फॉरबिड. दोस्तों फॉरबिड का मीनिंग होता है रोकना. तो इसका अपोजिट वर्ड होगा ऑप्शन बी परमिट अलाउ करना. स्टर्न. स्टर्न का मतलब होता है कठोर और इसका अपोजिट वर्ड होगा लिबरल उदार. वाइस. इसका राइट ऑप्शन होगा बी फूल.
choose the appropriate conjunctions to complete the sentence given below. I went swimming dash dash, it was cold. इसका right option है A option, yet. I went swimming yet it was cold. Meera must study hard dash dash, she will fail. इसका right option है D or. Meera must study hard or she will fail. Dinner was ready dash dash, we sat down to eat. इसका right option है B. So dinner was ready, so we sat down eat. अगला क्वेश्चन है, चूज फ्रॉम द एंटीनोम्स, प्रोवाइड एन एंटीनोम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इन कैपिटल लेटर. फर्स्ट है मिजर, इसका मीनिंग होता है कंजूस, तो इसका राइट आंसर हुआ डी स्पेंडथ्रिफ्ट, और स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है उड़ाऊ. अगला क्वेश्चन है फ्लोट, फ्लोट का राइट आंसर है बी सिंक. दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि हमारे द्वारा बताए गए कोई भी क्वेश्चन गलत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राइट आंसर के साथ ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि और स्टूडेंट्स की हेल्प भी हो सके. दोस्तों आप सबके लिए एक खुशखबरी है, हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में हम हर टाइप की प्रॉब्लम्स को वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएंगे. तो दोस्तों हम ये वीडियो बिल्कुल फ्री आप तक पहुंचाएंगे, बस आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक अच्छी से अच्छी वीडियो पहुंचा सकें. धन्यवाद.